बौद्ध जन्म के अंत की अंत होती है वही भगवान की शरण में आता है योग युक्त होने के लिए। उसका मतलब है कुछ जो लोग है वो मेरी शरण में आता है, पर जो कोई तो बांग ग्रेट है, कोई तो योग अभिष्ट है, कोई तो नया आएगा नहीं घर, तो वे दुनिया में जो गुरु है वो बोलते हैं अधिकारी को ज्ञान देना चाहिए। कभी तू बता तो अधिकारी उसको कौन बनाएगा, आपे तो बेचारा अधिकारी नहीं बनेगा। बांग ग्रेट मुक्त हुआ योग अभिष्ट को तो गुरु जोड़िए जाके ज्ञान देता है, क्योंकि आगे जन्म में कनेक्शन कट हुआ तो योग अभिष्ट को भगवान आके उसको जरूर ज्ञान देगा, पक्का करेगा। और जो नया इधर आके पुरुषार्थ करता है तो लोग बोलते हैं तो अधिकारी को ये ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, पर अधिकारी कौन बनाएगा उसको, जो इधर आके कोई भी नीच भी आके बैठे संत के संग निंदक भीतर जाए, तो इधर जब सत्संग में आएगा तो पुरुषार्थ करता आएगा तभी किसी जन्म में उसका पुरुषार्थ फलीभूत होगा। पर जो दुनिया के गुरु है वे समझता है तो इसका मैं विकार कैसे निकालूं, इसको मैं सीधे रास्ते में कैसे लाऊं, क्योंकि वह जीव भाव में सोचता है तो इसको ज्ञान कैसे दूं, वो उसको पहले ही देखता है ये शरीर है, तो उसको तो कभी एक को भी उद्धार उससे नहीं होगा, चाहे अधिकारी का भी नहीं होगा। अनधिकारी अधिकारी शरीर है, आत्मा अधिकारी अधिकारी नहीं है, आत्मा तो पहले से ही प्योर है। तुम बोलेगा संत की आत्मा पवित्र है, हमारी आत्मा अपवित्र है, संत तो संन्यास कर सकते हैं, मैं गृहस्थ में कैसे मुक्त होगा, पर ये बात नहीं है। कैसा भी महापापी होवे नीच होवे, पर जो ज्ञान के तुरय में आया, ज्ञान के रास्ते में आया तो वो जरूर तरेगा। मुक्त का अपमानी मुक्त है, बंधन का अपमानी बंधन में है, और संत ऐसा है जो निंदक आदमी खाली इधर झुके तो तर गए, ये नहीं है तो अधिकारी अनधिकारी देखेगा, फिर तो एक भी अधिकारी शायद हमको नहीं मिलता था। हम जैसा सत्संग में देखा है तो पांच विकार जैसा वैशा को है तैसा एक अच्छे आदमी को भी है, जो सत्कर्मी है, जो दया दान करता है, जो ठाकुर जी की पूजा करता है, उसको भी अभिमान है। तो हमने देखा है सत्कर्मी शायद देरी से तरता है, पर निंदक आदमी जल्दी तरता है, क्योंकि निंदक को रात को पूरी नींद नहीं आती है, भगवान को बहुत जोर से पुकारता है, बोलता है भगवान मेरे को तू उतारने के लिए आ न, मैंने समझा तुमने सदना कासाई को तारा, कबीर को तारा, इसको तारा, पर मैंने भी ऐसे ही तार न। तो जो पापी है वो ज्यादा भगवान को पुकारती है, और जो सत्कर्मी है वो बोलता है मैंने कौन सा पाप किया है जो मैं ज्ञान समझू, मैं मंदिर में भी पूछ लूँ, मैं गुरु के पास पूछ लूँ, मेरे को गुरु के पास नहीं चलने का। तो तुम देखो तो अधिकारी अनधिकारी कभी किसको नहीं देखना, किसी के कर्म में नहीं जाना, किसी को बारी समझ के बात नहीं करना। समझो तुमने घड़ी एक भगवान को भूल गया, भूला तो बर्बाद, याद आए तो आबाद। इसलिए ये देखो ये वीकनेस है, जब किसी की देह देखें, किसी का विकार देखें, किसी को तोमा करें, किसी को कम जास्ती देखें, पर समान दृष्टि में तुम देखो तो सब एक ही तो परमात्मा है, एक से अनेक भगवान ने रूप धारण किया। पर जब भगवान नहीं मिलेगा तो विकार कैसे छूटेगा, कोई कर्म होवे तो वो बेचारा कर्म से विकार छोड़े ना, कर्म नहीं है, पर गुरु कृपा दे बंधन टूटे, गुरु कृपा दे सब कुछ सुझे, जब सूरज जाएगा तभी हम काम करेगा। ऐसे गुरु जो है वो सूरज रूपी है, रोशनी है, रोशनी में अंधेरा रहेगा नहीं, तो ज्ञान अंजन गुरु दिया तो अज्ञान अंधेरा विनाश, तो गुरु ऐसा सिंह नहीं तो इसको ज्ञान दे या उसको ज्ञान दे, ऐसा समझना। हर एक मंच को अधिकारी समझना चाहिए, तो मैं इधर पहुंचा हूं तो मेरा इधर कोई हक है, तुम आता है अपनी अमानत लेने के लिए, मैं नहीं देता हूं, मेरे को नहीं समझना भगवान ने मेरे को ज्ञान दिया, ये भी कर्म नहीं देखना। तुम देखना भगवान नहीं देता है पर मैं लेने आता हूँ, जैसे तुम्हारी कोई मैं प्रेजेंट दे के आऊँ दूसरे शहर से, तुम लेने आएगा, इसीलिए तुमको लेना चाहिए। पर इन गुरु को बोलना चाहिए तुम ज्ञान दियो, तुम बोलो मैं अपनी कृपा करके गुरु से ज्ञान निकालेगा, जैसे कुएं में पानी है तुम बाल्टी डालो तो पानी तुमको मिल जाएगा। तो देखो कितनी दुनिया में वीकनेस है, तो किसी का विकार नहीं नाश कर सकता है, पर ये ज्ञान ऐसा है जो ज्ञान हुआ नहीं अज्ञान नाश हुआ नहीं, तो खुद ही घर में जाएगा बोलेगा ये सुबह मेरा कैसे चेंज हुआ, ये आदत कैसे चेंज हुई, तुम्हारी सारी लाइफ इधर चेंज हो सकती है। बाकी कोई कर्म से बड़ा अपमान करता है, तीर्थ व्रत दान पुण्य जो भी शरीर से कर्म करेगा
उसमें होने का रोग बढ़ेगा। पर जो आत्मा जानेगा तो भगवान तेरे से क्या करेगा भगवान को मालूम। जैसे ये भगवान का हैंडल है, जैसे चाकू तू लेता है चाकू से काम लेता है, ऐसे भगवान तेरे शरीर को एक हैंडल समझ के तुमको चलाएगा, तू न चलेगा।